20 वर्षीय युवती को जान से मारकर रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में फेंका, आखिर क्या था पूरा मामला, चलिए आज हम आपके साथ शेयर करते हैं। मुंबई की उरण निवासी यश श्री की गुमशुदगी का मामला पुलिस ने जैसे ही सुबह दर्ज किया और यहां चारों तरफ हाहाकार मच गया जब उसकी लाश रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में से मिली। यश श्री सिंधे 25 किलोमीटर दूर बेलापुर में काम करती थी। उसका एक लड़के से प्रेम प्रसंग था, लड़के के पास प्रेमी भी लापता है। जांच में सामने आया कि प्रेम प्रसंग के चलते युवती को मारा गया। आखिर क्या था मामला, दाऊद नाम का यह युवक जिसका नाम दाऊद शेख है, यह कर्नाटक के गुलबर्ग से इस लड़की के साथ मिलता जुलता था और यह दोनों साथ में ही स्कूल में पढ़ाई करते थे, फिर साथ में ही दोनों नौकरी करने लगे। और जब इस लड़की के माता पिता को ये बात पता चली कि इनकी युवती की दोस्ती दाऊद शेख से है, तो तब इन्होंने रिपोर्ट लिखा दी और दाऊद को गिरफ्तार कर लिया गया। तकरीबन 1 से 1.5 महीना यह जेल में रहा और जेल से जैसे ही छूटा यह लड़की पर दबाव बना रहा था कि मुझे तुमसे शादी करनी है और तुम मेरे साथ कर्नाटक चलो, लेकिन लड़की कर्नाटक जाना नहीं चाहती थी, वो वहीं पर रहना चाहती थी मुंबई में। और इसी बीच दोनों की कहा सुनी हो जाती है और जो प्रेमी होता है वो उसका कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद यह उसको उसके लाश को वहीं रेलवे स्टेशन के झाड़ियों के पास फेंक देता है। पुलिस के मुताबिक उसके शरीर पर चाकू मारने और चोट के कई निशान थे जो साफ साफ उसकी बेरहमी बता रहे थे कि दाऊद ने किस बेरहमी से इस लड़की का कत्ल किया। जब यह लड़की दाऊद से मिलना नहीं चाहती थी तो वह कुछ निजी तस्वीरें दिखाकर उसको ब्लैकमेल करता था, बार बार उसको बुलाता था और अगर वो नहीं आना मना करती थी तो वह उसको सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देता रहता था। जब शनिवार को वह युवती इस लड़के से मिलने पहुंची, उस दिन भी यह बात करने के बाद दोनों की लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि दोनों के बीच इतना झगड़ा हुआ, लड़के ने इस लड़की का कत्ल कर दिया। के वहाँ से लोकल ट्रेन लेकर वहाँ से भाग जाता है अपने यहाँ कर्नाटक में। पुलिस ने फिलहाल इसको हिरासत में ले लिया है और इससे पूछताछ जारी है। तो देखना यही है कि पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है। तो आप भी ध्यान रखें कि आपके बच्चे कहीं गलत संगत में तो नहीं हैं और सतर्क रहे आप, अपना और दूसरों का ध्यान रखें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और चैनल पर जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।